दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैश में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने जीवमंडल निचय के बारे में पढ़ा था, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में जाना था, किस राज्य में स्थित है उसके बारे में जाना था, कौन सा जीव उसके लिए प्रसिद्ध है ये जाने थे। बचे हुए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुँच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सएप पर भी इसे शेयर कीजिएगा। सभी 18 जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को हम एक एक कर पढ़ेंगे। ये नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के सीमा पे स्थित है। ये तीन राज्यों में फैला हुआ है, हमेशा याद रखिएगा। नीलगिरी जीवमंडल नीचे तीन राज्यों में फैला हुआ है, तीन राज्यों की सीमा पर ये स्थित है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। इसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1986 में दिया गया और यह भारत का प्रथम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है, हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न पूछे कि जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र सबसे प्रथम कौन सा है, तो नीलगिरी जीवमंडल नीचे प्रथम है। इसका क्षेत्रफल 5,520 वर्ग किमी है। यहाँ जो जीव हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण है नीलगिरी ताहर, शेर के समान पूंछ वाला बंदर। ये प्रश्न यूपीएससी में पूछा था, यूपी पीसीएस में, बीपीएससी में पूछा था, एसएससी में भी पूछा था, रेलवे और बैंकिंग में भी यह प्रश्न पूछा गया है कि नीलगिरी में कौन से जीव पाए जाते हैं या शेर के समान पूंछ वाले बंदर किस जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र में मिलते हैं। तो याद रखिएगा, नीलगिरी जीवमंडल नीचे में शेर के समान पूंछ वाले बंदर मिलते हैं, ये इसकी प्रमुख विशेषता है इस जीवमंडल। अगला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी के बगल में ही अगस्थ्यमलाई है, जिसे 2001 में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला। इसका क्षेत्रफल 3,500 वर्ग किमी है। यहाँ पे जो जीव हैं जिसके कारण ये महत्वपूर्ण है, नीलगिरी ताहर और हाथी। हाथी इस बेल्ट में मिलेगा और इसके ऊपर वाले में इस क्षेत्र में हाथी मिलता है, तो यहाँ पे सभी में हाथी मुख्य रूप से ज़रूर पाए जाएंगे। इसके अलावा अन्य जीव भी हैं। अगला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र अगस्थ्यमलाई के बगल में ही मन्नार की खाड़ी, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है, यहीं पे श्रीलंका है, ये बीच का समुद्र का भाग है, यहीं पे यह मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। इसे जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1989 में मिला था। ये 21 द्वीप को मिलाकर बना हुआ है मन्नार की खाड़ी। क्षेत्रफल इसका 10,500 वर्ग किमी है। यहाँ पे जीव तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह प्रसिद्ध है, दुगंग मछली पाई जाती है यहाँ पे मन्नार की खाड़ी में, दुगंग मछली पाई जाती है, इसके लिए यह जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। हमेशा याद रखिएगा, पूछता है कि मन्नार की खाड़ी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो तमिलनाडु में स्थित है, और यहाँ कौन सा जीव महत्वपूर्ण है, तो दुगंग मछली पाई जाती है, दुगंग मछली, इसके लिए यह प्रसिद्ध है। अगला जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र ये सेसाचलम है, जो आंध्र प्रदेश में स्थित है। सेसाचलम जीवमंडल नीचे इसे दर्जा 2010 में इसे दर्जा मिला है। जिला चित्तूर एवं कुडप्पा में ये स्थित है। क्षेत्रफल जो है 4,755 वर्ग किमी है। जीव जो है पतला लोरिस, जो बंदर की प्रजाति है, इसके लिए यह सेसाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा। प्रश्न पूछता है कि सेसाचलम जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में ये स्थित है। किस जीव के लिए प्रसिद्ध है,
तो पतला लोरिस जिसे बंदर की एक प्रजाति है इसके लिए यह प्रसिद्ध है। किस जिला में है, जो चित्तूर एवं कुडप्पा में। कब इसे दर्जा दिया गया जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का, तो 2010 में इसे दिया गया। अगला जो सबसे महत्वपूर्ण जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है, ये ग्रेट निकोबार जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, यहाँ पर यह स्थित है। इसे जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा 1989 में मिला था। 885 वर्ग किमी क्षेत्र में यह फैला हुआ है। जीव जो है यहाँ पे खारे पानी का मगरमच्छ मिलता है, यहाँ पे खारे पानी का मगरमच्छ मिलता है, इसीलिए यह ग्रेट निकोबार जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है। अगला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र सिमलीपाल, जो उड़ीसा में है, ये यहाँ पे है सिमलीपाल जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र। इसे 1994 में जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र का दर्जा मिला। यह मयूरभंज जिला में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्षेत्रफल है 4,344 वर्ग किमी। यहाँ पे जो जीव हैं, हाथी, चीता, गौर, मगरमच्छ, हिरण और सांभर, यह मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है। हमेशा याद रखिएगा कि यह मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, इसी के लिए सिमलीपाल को जाना जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम बाघ अभ्यारण्य के बारे में पढ़ेंगे। हमने वन जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में पढ़ाया है। आप उस वीडियो को भी मेरे YouTube पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम बाघ अभ्यारण्य के बारे में पढ़ाएंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।